नमस्कार, मैं कुमार गौरव, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। बीटी न्यूज बिहार की टीम चुनावी दंगल के प्रोग्राम में अभी चेरिया बैरपुर विधानसभा के मंझौल में पहुंची है। यहां के लोगों से जानने का प्रयास हम करेंगे कि इस जगह के लोगों का इस बार के चुनाव में क्या सोच है, क्या चाहते हैं वो। आइए बात करते हैं। बाबा, आपकी उम्र कितनी हुई अभी? 90। कितना चुनाव अब तक आप देख चुके हैं? अभी 57-52 से लेकर के अभी तक। क्या क्या परिवर्तन इतने दिनों में आपने देखा? परिवर्तन ये सब दिन लगभग भूमिहार का सीट रहा। 1952 में राम नारायण चौधरी यहाँ के थे, फिर 1967 से 80 तक रामजीवन सिंह रहे, और 90 से 2000 तक भी रामजीवन सिंह इस क्षेत्र में रहे। तो मंझौर के बात कुछ सोचते थे, लेकिन अभी जो इन दिनों यहाँ के राजनेता हैं, वोट तो देकर के चले जाते हैं, लेकिन कभी घूम करके देखते नहीं। मंझौर एक विधायक के हैसियत से कहना चाहता है कि यह सीट सब दिन भूमिहार ब्राह्मणों का रहा और करता आ रहा है। बाबू रामजीवन सिंह यहीं के समाजवादी नेता थे। इस बार के चुनाव में क्या चाहते हैं आप? इस बार के चुनाव में कोई भूमिहार आ जाए तो बहुत ही उत्तम होगा, और नहीं तो और क्या। यहाँ अभी जबकि 15 दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन सड़क पर पानी, कोई विधायक नहीं, कोई कुछ काम करने वाला नहीं है, क्या कहा जाए। इसलिए किसी भूमिहार को टिकट देकर के यहाँ से लड़ाया जाए और फिर अपना काम किया जाए। हमको याद है नीतीश बाबू 1905 में, जब 2005 में आए थे, तो उस समय रामजीवन बाबू को अपना गार्जियन कहते थे, और अभी उस गांव को ही भूला दिया गया। यही इसलिए किसी भूमिहार को दीजिए तो सम्यक दृष्टि वाला हो। धन्यवाद। मेरे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार का इस क्षेत्र का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या होगा? इस बार का मुख्य चुनावी मुद्दा होगा कि पिछले जो विधायक जो हैं, अभी तक इस क्षेत्र को मंझौल के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए आए हैं, और भूमिहार 70,000 भूमिहार का बेल्ट है, 70,000 जनसंख्या है, वोट कर रहा है, फिर भी भूमिहार ब्राह्मण को कोई देखने वाला नहीं है, और मंझौल के साथ बार बार सौतेला व्यवहार हो रहा है। कोरोना के लिए सरकार परेशान है, और मास्क लगा के चलिए, लेकिन फिर भी यहाँ हमारे सामने में देखिए ठेवना भर पानी, बारिश हो फिर भी, बारिश ना हो फिर भी ठेवना भर पानी लगा रहता है। कोई नेता किसी को उसको दिखाई नहीं पड़ता है, कोई एक बार भी इस रास्ते से गुजर जाए तो दोबारा गुजरने की कोशिश नहीं करता है। आदमी परेशान है, क्योंकि कोरोना से बचिए, लेकिन यहाँ तो पानी में सरा हुआ कोरोना खुद पड़ा हुआ, इसे कौन किसको बचाए। एक बार भी विधानसभा के तरफ से या जो भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं वोट ले करके चले जाते हैं, फिर भी एक बार भी घूम करके देखने के लिए नहीं आते हैं। ब्राह्मण भूमिहार का ये बेल्ट है, ब्राह्मण भूमिहार इसे जिता करके भेजता है, और सब दिन ब्राह्मण भूमिहार इस बेल्ट पर, इस सीट पर कायम रहा। अब की बार कोई नौजवान भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कोई कर्मठ नेता हो, नौजवान नेता हो, उस नेता को ये सीट होना चाहिए, क्योंकि वही कुछ कर सकता है, नहीं तो कोई देखने वाला, इस मंझौल को देखने वाला कोई नहीं है। वर्तमान विधायक कौन है?
वर्तमान विधायक मंजू वर्मा है, लेकिन उनको आज तक किसी ने इस मोहल्ला में या कोई भी उनको आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, उनको कोई पहचानता नहीं है कि ये हमारे विधायक हैं। चुनाव के समय तो नेता लोग निकलते हैं, सुने इस बार नहीं निकले क्या? सिर्फ चुनाव के समय ही निकलते हैं, उसके बाद नहीं निकलते हैं। यहाँ फीता काटने का हुआ कोना कोने जाते हैं, करके चले आते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या परेशानी है, रास्ता है कि नहीं, पानी है कि नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जाकर के देखिए थेवनावर पानी लगा हुआ है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। कोरोना के लिए सब परेशान रहता है, लेकिन यह पानी तो खुद कोरोना से भी महा कोरोना है। जल जमाव के अतिरिक्त और कोई समस्या मंझौल गांव के लिए? बहुत समस्या है मंझौल गांव के लिए। वो पेपर पर लिखा गया है कि हाँ जल हो गया, नल लग गया, ये सब लग गया। मेरे वार्ड में देखिए सब एक नल लगा हुआ, उससे सब आता है पानी लेकर के जाता है। गली में कोई भी गली में पाइप नहीं, पानी का पाइप नहीं है, नल का व्यवस्था नहीं है, कोई भी गली में नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या मंझौल का है, अनुमंडलीय अस्पताल अभी तक निर्माणाधीन पड़ा हुआ है 7 साल से। 2013 में वो शुरू हुआ था, अभी तक निर्माणाधीन है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये तो बड़े बड़े नेता लोग को होना चाहिए कि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा गाँव है, सरकार की इतनी बड़ी संपत्ति, इतना साल साल उसका फंड आके कितना खर्चा हो गया, लेकिन यूँ का यूँ पड़ा हुआ है। अगर मेडिकल में जाइए तो दवाई नहीं, ऊर्जा लीजिए और दूसरे जगह से दवाई खरीद के लाइए। मंझौल में कम से कम एक बहुत बड़ा अस्पताल उचित रूप से बनना चाहिए और उसका जल्द से जल्द निर्माण शुरू करना, मैंने निर्माण होना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कोई कर्मठ नौजवान नेता, भूमिहार ब्राह्मण से कोई नया कर्मठ और नौजवान नेता आवे। भूमिहार ब्राह्मण ही क्यों? क्योंकि जो देख रहे हैं पहले बूढ़ी ब्राह्मण और भूमिहार का जो नेता थे, वो सब जगह जा करके सबका ख्याल रखते थे, लेकिन यहाँ तो जो नेता बन करके जाते हैं फिर लौट करके नहीं आते हैं। वो अपने धुन में जो उनके आगे पीछे लगा रहता है, उन्हीं के बात पे चलते हैं, और बाकी तो किसी को देखने का तो है नहीं। यहाँ बहुत परेशानी है, पानी जमा हुआ, मेन सबसे पूरा गांव का आदमी मेन सेंटर है, मेन रास्ता है, मेन रास्ता से भी उस गांव का हजारों आदमी डेली उससे आता जाता है, लेकिन फिर पानी का कहीं कोई निकासी का हो या उसको रास्ता बनाने का कहीं कोई देखने वाला नहीं। हमारे साथ कुछ युवा साथी आई, युवा साथी से बात करते हैं। आपका नाम? पढ़ाई आप कहाँ तक पूरा किए? ग्रेजुएशन में पूरा किया। रोजगार मिला? रोजगार नहीं मिला। क्या करना चाहते हैं? रोजगार नहीं मिला है, क्या करना? सरकार के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर पीछे है या रोजगार नहीं रही? पीछे है सर। क्या कहना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होना चाहिए? अच्छा मुखिया बने, अच्छा सरपंच बने। विधायक का चुनाव है इस बार, आप अपने जो स्थानीय विधायक उनके काम से कितना खुश हैं? मुखिया खुश नहीं है, स्थानीय विधायक की बात हो रही है, मुखिया का चुनाव भी नहीं, यह भी विधायक का चुनाव है। विधायक के काम से कितना खुश है? क्या चाहिए इस बार, क्या होना चाहिए? अच्छा विधायक बने। कोई नजर आपके नजर में कोई इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? हम इस क्षेत्र के चाहते हैं, हमको मंदिर का उद्घाटन बढ़िया होना चाहिए, फूल बगीचा रहा। मंदिर के अतिरिक्त और कोई समस्या है? और समस्या है क्या बताइए? वो जाति पाति है, उसको गरीब है, उसको सबको अनाज मिलना चाहिए, बेम बस्तर मिलना चाहिए, जिसका भूमिहीन है उसको भूमि मिलना चाहिए, नेता के चाहिए, पानी की समस्या चाहिए। पानी की समस्या रोड पर लगे हुए, निकासी नहीं होता है इसका? नहीं, निकासी नहीं होता है। इसका कोई मुखिया या विधायक ध्यान नहीं दे रहे इस पर? कहाँ ध्यान देता तो होता था। कितने दिनों से ये जमा होता है? ये तो है 5 साल से, इसे बात 6 साल से। नाला की सफाई नहीं हो रही? ना, नाला की सफाई कुछ नहीं हो रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में आप क्या देखना चाहते हैं, जो आपके स्थानीय विधायक हैं? हाँ मैं उनसे खुश हैं उनके काम से? नहीं, इस बार हम विधानसभा को देखने चाहते हैं गांव का विकास। लाला कैसा उम्मीदवार चाहिए इस बार? बढ़िया उम्मीदवार चाहिए, बढ़िया उम्मीदवार। हाँ, जो विकास कर सके, विकास करे। और मंदिर के भी विकास के लिए एगो हमको चाहिए, जो कचरा फेंकने लिए पेटी साफ सफाई। एक युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? गणेश कुमार। आप वोटर हैं? कब वोटर बने? वोटर बने 9-10 साल से वोटर है।
इस बार इस क्षेत्र का मुद्दा क्या है? मुद्दा है बहुत परेशानी, 6 साल फसल, सुबह शाम खाना पचाना पड़ता है, चौपर साला घट थोड़ा पानी लगा रहता है, नाला का निकास नहीं होता है, पानी का निकास होता है, गंदगी से एकदम कोरोना तरह बीमारी भाई गंदगी मांगता है, क्या भाई जो कुत्ता मार के फेंक दिया है पानी। सही बात, विधानसभा के परवेज आपके जो वर्तमान विधायक, कोई विधायक विधायक यहाँ कोई किसी को सुनवाई नहीं होता, यहाँ पर एक से एक नेता है, एक से एक घर वाले करोड़ पैसे वाला है, कोई किसी से मतलब नहीं है यहाँ पर, नाला कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा किसी से कोई मतलब नहीं। इस बार के चुनाव में क्या चाहते हैं? बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए जो इस सब कुछ करे धरे, सेवा करे, रोड पानी का निकास करे, नाला बने, रोड बने। कोई उम्मीदवार आपके नज़र में? उम्मीदवार जो बढ़िया होंगे उसको वोट देंगे, बढ़िया होंगे। हाँ। और क्या जो बढ़िया होगा।